उस सैनिकों के साथ। किस देश को एक तपस्वी, एक फकीर प्रधानमंत्री मिला है जो अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए जीता है, पूरे देश के लिए जीता है। 500 वर्षों तक जो भव्य राम मंदिर का एक मंत्र लोगों के मन में था, कब वो सुनेंगे है उस गूंज को आज भारत के यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री के कारण, क्योंकि वो उनके दिल में राम बसता है, उनके दिल में राम राज्य बसता है, उनके दिल में वो मंत्र बसते हैं। जब वो बोलते भी हैं तो बात शंकराचार्य जी की थी, नेति नेति नेति, लेकिन वो रामायण की छुपाइयों को खोज कर लाए और बताया कि देखिए ये जो भी है ये सारा उसी का विस्तार है। छोटी छोटी बातों में मत फंसो, छोटी छोटी बातों के लिए मत तोड़ो एक दूसरे का दिल, सब मिलकर इस देश का निर्माण करो, इस देश की संस्कृति को अपने जीवन में जियो, अपने परिवारों में जियो। अगर संस्कृति होगी, संस्कार होंगे तो भारत जिंदा रहेगा, भारतीय संस्कृति जिंदा रहेगी। आप सोचते दिवाली की रात उस सैनिकों के साथ थे, और आज वो सैनिक हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, और जिन्होंने संस्कृति की सुरक्षा की शंकराचार्य जी, उनकी समाधि के पास आकर वो अपना माथा नवाते हैं। ये है इस देश का प्रधानमंत्री। मुझे लगता है ये इस देश का सौभाग्य है कि इस देश के पास ऐसा प्रधानमंत्री है, और ये पहली बार हुआ है कि इस देश को एक तपस्वी, एक फकीर प्रधानमंत्री मिला है जो अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए जीता है, पूरे देश के लिए जीता है। एक तरफ तो प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री की जब वो परिक्रमा कर रहे थे, और एक तरफ उनकी परिक्रमा करते हुए मैंने देखा, एक तरफ तो प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री की और दूसरी तरफ उनके मन में निष्ठा अपने व्यक्तित्व की, कि नहीं वो किसी पद और प्रतिष्ठा के लिए नहीं बल्कि वो निष्ठा के साथ जीते हैं, इसलिए ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है।